नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस, एक कदम भविष्य की ओर। हमारा आज का टॉपिक है JOA के लिए कंप्यूटर का, जो भी है वो सब करवाऊंगा मैं। तो हम शुरू करेंगे, जो बैच शुरू कर रहे हैं वो किससे रिगार्डिंग है? JOA से, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से। तो फॉर JO के लिए आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क। आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं ताकि मैं आपको इस जो JOA के एग्ज़ाम के लिए जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा सकूं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है नेटवर्क। तो नेटवर्क का मीनिंग क्या है? जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि नेटवर्क की कंपनी होती है, एक को दूसरे के साथ जोड़ो, दूसरे यानी कि हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़े, काफ़ी लंबा नेटवर्क बनाओ। तो वैसे ही कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है कलेक्शन, है कलेक्शन के साथ किसका? कलेक्शन ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। उसके बाद क्या बोला? उस कलेक्शन के बीच में क्या है? कनेक्शन है। ठीक है, उन नोड्स की कलेक्शन के बीच में कनेक्शन है। और साथ ही साथ में क्या बोला बोल सकते हैं हम, ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। ठीक है, शेयरिंग करेगा डाटा हो गया, जो भी डेटा होगा उसकी आपस में नोड्स के बीच में शेयरिंग करेगा। तो नेटवर्क का आप सिंपल सी डेफिनेशन बोलें तो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ नोड्स होगी जिसमें कनेक्शन होगा और शेयरिंग ऑफ डेटा होगा। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क है, ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? उसका नाम है आर्पानेट। आर्पानेट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, अब ये किसने डिजाइन किया था? ये नेटवर्क डिजाइन किया गया था यूएस आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था। कब? 1969 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये क्या था? ये फर्स्ट नेटवर्क था। अगर मैं बात करूं ब्राउजर की, जो फर्स्ट ब्राउजर है, ब्राउजर समझते हैं ना, जैसे गूगल क्रोम है ना, मोजिला फायरफॉक्स है। अगर मैं फर्स्ट ब्राउजर की बात करूं वो कौन सा था? वो था मोजेइक। ठीक है, फर्स्ट ब्राउजर कौन सा था? मोजेइक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट वायरस की, वायरस था वो था क्रीपर। क्रीपर वॉज द फर्स्ट वायरस। अगर मैं बूट सेक्टर वायरस की बात करूं, किसका? बूट सेक्टर वायरस कौन था जो पहला था? उसका नाम है ब्रेन। ठीक है, ये जो वायरस थे ये कहां, ये ब्राउजर था, ठीक है, ये वायरस था, बूट सेक्टर का वायरस था, ये कहाँ यूज होंगे? इंटरनेट के ऊपर होंगे। तो किसे फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया? फादर ऑफ इंटरनेट कौन थे? फादर ऑफ इंटरनेट थे बेन सेल्फ। ठीक है, बेन सेल्फ क्या थे? फादर ऑफ इंटरनेट थे। अगर मैं बात करूं WWW के बारे में, ठीक है, अभी तो मैं सिंपल सा बता रहा हूं, टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में? WWW के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन की थी वो किसने की थी? वो थे, किसने की थी? टिम बैनर्सली। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईमेल की, मींस फर्स्ट ईमेल किसने सेंड की थी? फर्स्ट ईमेल सेंड की थी किसने? उनका नाम था रे टॉमिलसन। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में यानी कि एग्जाम में, JOA के एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं नेटवर्क, आप समझ गए नेटवर्क क्या होता है, जिसमें कलेक्शन होगा नोड्स का जो जुड़े होंगे कनेक्शन के साथ, ठीक है, और उनके बीच में शेयरिंग ऑफ डेटा होगी। क्लियर है बात? चलो अब हम बात करते हैं
क्लासीफाई करते हैं नेटवर्क को कि नेटवर्क किस किस तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नाम सुने होंगे लैन मैन बैन, ठीक है, ये तो आपको पता है कौन सा, लैन मैन और बैन। अब हम कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो उनको राइट डाउन कर लीजिए जो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले लैन के बारे में बात करेंगे। लैन की फुल फॉर्म क्या होगी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क मींस, अब ये लोकल है जैसे नाम डिफाइन कर रहा है इसका, लोकल मींस अगर ये नेटवर्क लगा, नेटवर्क कैसे होगा, कंप्यूटर को जोड़ेगा, ठीक है, इसको किस बे में जोड़ेगा, ठीक है, ये जो नेटवर्क होगा ये किस में हो सकता है, ये होगा किसी बिल्डिंग में क्योंकि लोकल है, बिल्डिंग के साथ साथ ये किस में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल प्लेसेस पे जो नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस लैन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है ईथरनेट की, ईथरनेट वायर या लैन वायर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ईथरनेट। और कहा अगर जब हम लैन की इंस्टॉलेशन करेंगे, जब नोड्स को जोड़ेंगे लैन की इंस्टॉलेशन करेंगे, तो हमें एक कार्ड की जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से क्या होगा, इंस्टॉलेशन होगी। उस कार्ड का नाम है NIC, NIC, NIC मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या वो कार्ड है, कौन सा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। जब हम लैन की इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमें किस कार्ड की जरूरत होगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे हम ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं या लैन कार्ड भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए हर एक बात, ठीक है। ईथरनेट कार्ड भी कहेंगे इसे और लैन कार्ड भी कहेंगे। अगर मैं ईथरनेट के स्टैंडर्ड की बात करूं या लैन के स्टैंडर्ड की बात करूं, जो IEEE स्टैंडर्ड है लैन का, तो लैन का IEEE स्टैंडर्ड जो है 802.3, ठीक है, लैन का क्या IEEE स्टैंडर्ड क्या है, 802.3। अब लैन के बाद अगर हम बात करें, अच्छा एक और बात करूं, ये नेटवर्क स्मॉल एरिया में, छोटे से प्लेस में है, तो ये नेटवर्क क्या होता है, फास्टर होता है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन और बैन, क्लियर है बात। अब चलते हैं हम किस के ऊपर, मैन के ऊपर, एज जैसे इसका नाम आप सभी को पता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क होता है ये सिटी के अंदर लगाया जाता है, जैसे हमीरपुर सिटी है, हमीरपुर सिटी सराउंड में जितने भी 5-6 किलोमीटर जितनी भी वैली है वो, उसमें अगर नेटवर्क मेरे को सेटअप करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, या आप रख लो ये जो नेटवर्क सेटअप होता है वो 50 किलोमीटर से लेके कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक होता है, कहाँ से लेके 50 से 100 किलोमीटर तक, जैसे किसी सिटी में आपको नेटवर्क सेटअप करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, मैन का। तो कहाँ यूज होता है ये, सिटी नेटवर्क में। अगर इसके IEEE स्टैंडर्ड की बात करूं मैं, IEEE स्टैंडर्ड क्या है मैन का, तो मैन का IEEE स्टैंडर्ड है 802.16 बोल सकते हैं आप। आगे ये जो IEEE स्टैंडर्ड है वो मैन के साथ साथ किसका भी है, ये IEEE स्टैंडर्ड जो है ये वायरलेस मैन का भी है, W mans means wireless man। अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होगी, जो मैन की स्पीड होगी किससे कम होगी, लैन से कम होगी। चलो इसी के साथ हम बात करते हैं किसकी, बैन की, वाइड एरिया नेटवर्क की। अब वाइड एरिया नेटवर्क आप क्या बोल सकते हैं, जो ये जो होगा ये वर्ल्ड वाइड होगा, हर एक जगह जो नेटवर्क हम यूज करते हैं, जैसे हम इंटरनेट का यूज करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क मींस ये नेटवर्क ओवरऑल द वर्ल्ड ये नेटवर्क यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, इसी के माध्यम से हम क्या चला सकते हैं, इंटरनेट। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंटरनेट इज बट टाइप ऑफ नेटवर्क, बट टाइप ऑफ नेटवर्क तो कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क है, क्लियर हुआ। चल अब कुछ और हैं इन तीनों को छोड़ के, अगर जैसे आपका कौन सा हो गया, कैन हो गया, पैन हो गया, ठीक है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से नेटवर्क और नेटवर्क हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया, अगर मैं सबसे पहले बात करूं पैन की, पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क मींस
ये क्या होगा, किसी बंदे का पर्सनल नेटवर्क होगा। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है, एग्जांपल है किसका, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि ये पर्सनली जब कनेक्ट होते हैं तो दो ही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, आप नंबर ऑफ डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, पर्सनली कनेक्ट हुआ एक मोबाइल से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ, इसलिए इसे कहा गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर मैं बात करूं यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आप नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कंटेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं आपको अच्छा आए, लगे, पसंद आए, आपके जेओए के एग्जाम में हेल्प करे, तो जो मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़ सके और मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा था, यूएसबी की। अब देखो, यूएसबी आपके जैसे कंप्यूटर से लगा, ठीक है, ये आपके मोबाइल में लगा दिया आपने, तो क्या हुआ, ये दोनों पर्सनल हुआ ना, तो इससे भी यूएसबी क्या है, यूएसबी भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और अगर IEEE स्टैंडर्ड की बात करूं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड है 802.15। ठीक है, ब्लूटूथ का क्या है, 802.15। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कैन की। अब कैन क्या है, कैन मींस, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, कैंपस एरिया, कैंपस एरिया नेटवर्क। आप जैसे देख सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है, कोई कॉलेज कैंपस है, कैंपस का यानी कि कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, 4-5 किलोमीटर का कैंपस होता है या उससे ज़्यादा भी होता है, तो कैंपस में जो नेटवर्क सेटअप होगा, जैसे हॉस्टल दूसरी तरफ है, कॉलेज एक तरफ है, तो उसके बीच में जो नेटवर्क सेटअप होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कैंपस एरिया नेटवर्क। और ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर टू लैन, ये क्या है, लैन की तरह है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। अच्छा, एक और है जैसे WLAN क्या मतलब हुआ, WLAN मींस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा, वायरलेस, जो बिना वायर के जो हम नेटवर्क सेटअप करते हैं उसे क्या बोलते हैं, WLAN। और बिना वायर के कैसे कर सकते हैं हम, वाईफाई के माध्यम से, है ना, सभी यूज करते हैं वाईफाई। अच्छा, वाईफाई तो सभी यूज करते हैं, इसका वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई को किस नाम से जानते हैं, तो वाईफाई का नाम है क्या, वाईफाई को किस नाम से जानते हैं, वाईफाई को वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई क्या हुआ, वायरलेस फिडेलिटी। अब वाईफाई के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम था लाईफाई। लाईफाई क्या था, लाईफाई में एक बल्लभ की तरह, यानी कि एक बल्लभ ही रख लो आप, जो क्या होगा, लाईफाई बल्लभ होगा, जिसकी लाइट जहां जहां पड़ती है वहां वहां पे सिग्नल देता है। तो लाईफाई की फुल फॉर्म क्या होगी, लाइट फिडेलिटी। आप नोट कर लीजिए, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, लाइट फिडेलिटी। ठीक है, लाइट फिडेलिटी। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, किसके, जो वाईफाई का स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.11n। अब 11 के साथ n क्या लिखा है, अगर ये जो n है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो वायरलेस का क्या है, वाईफाई का जो वर्जन है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। अब वर्जन क्या होता है, जैसे ही अपडेशन, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई या डिवाइस है, उसमें जो अपडेट आएगी, तो अपडेट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे किसके साथ, वर्जन के साथ। ठीक है, ये तो था टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कितने टाइप हैं, कौन कौन से तरह का नेटवर्क हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन होना चाहिए, अगर कनेक्ट भी कर दिए हमने तो उस कनेक्शन में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, कनेक्शन मीडियम के बारे में, या कम्युनिकेशन मीडियम जिनके माध्यम से क्या होगा, डाटा ट्रांसफर होगा, तो क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेशन मीडियम। मीडियम के बाद हम अगला टॉपिक क्या करेंगे, कम्युनिकेशन मोड के बारे में। अगर मीडियम की बात करूं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, डेटा ट्रांसफर कैसे होगा,
तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं, आप या क्या वायर लगाते हैं, ठीक है, या यूएसबी लगाते हैं, या आप क्या करते हैं वायरलेस कर देते हैं। वायरलेस, वायरलेस मीन्स जैसे आप ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो यानी कि बिना वायर के जो काम कर रहे हैं, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे वायरलेस कैसे हो गया, शेयर इट था पहले तो शेयर इट के, अब शेयर में ही है, फोन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और विद वायर जैसे आप अपना कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ के डेटा सेंड करोगे तो वो विद वायर हुआ। अब ये कनेक्शन किस तरह के होंगे, वायरलेस और वायर विद वायर जो होंगे, देखो वायर के साथ है कनेक्शन, तो कनेक्शन क्या है, बाउंड है किसके साथ, अपने दूसरे नोड के साथ। अगर बाउंड है तो उसको क्या होगी, गाइडेंस होगी, ठीक है। तो इसको जो वायर वायर्ड कनेक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाउंडेड कनेक्शन भी बोलते हैं और गाइडेड कनेक्शन भी बोलते हैं। उसी तरह वायरलेस है, वायरलेस क्या हुआ तो इसमें क्या होगा, किसी के साथ बाउंड नहीं होगा कि किस स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक कोई नोड नहीं होगी जिसके साथ बाउंड होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। और क्या होगा, अनबाउंडेड है मींस जो एयर में इसके सिग्नल फ्री घूम रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट यानी कि कनेक्ट नहीं है, स्पेसिफाई इसके पास एड्रेस नहीं है जिसके साथ जुड़ना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अनगाइडेड, मतलब इसके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी, वायर्ड की, कौन कौन से वायर्ड मीडियम कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, जो पहले यूज हुई होती थी, कौन अभी भी यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर, मींस सबसे पहले यूज होने लगी थी ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर दूसरी होगी आपकी कोएक्सियल केबल, तीसरी होगी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ट्विस्टेड पेयर जो यूज होती है वो कहां होती है, आपके टेलीफोन में, ठीक है, टेलीफोन जो आपके लैंडलाइन लगे होते हैं घर में, उसमें कौन सी वायर यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर यूज होती है। और दूसरा जो ट्विस्टेड पेयर का यूज है वो लैन कनेक्शन में, ट्विस्टेड पेयर कहां यूज होगी, लैन कनेक्शन में, जैसे आप दो कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं जो लैन वायर सेट कर रहे हैं वो कौन सी होगी, वो होगी ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर वायर जो है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, किसमें इसको किया गया है, एसटीपी में और यूटीपी में। एसटीपी मींस, एसटीपी का क्या मतलब हुआ, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और यूड स्टैंड फॉर अनशील्डेड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जो यूटीपी है, अब बात करूं मैं, जो अनशील्डेड है मींस यूटीपी जो है वो किसके लिए यूज होती है, वो ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और जो आपकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो वायर्स होते हैं जिनमें हमें हाई रेट डाटा ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, कौन सा, हाई रेट डाटा ट्रांसफर। उसके लिए कौन सी यूज होगी, एसटीपी होगी। अगर मैं बात करूं कैट 6 और कैट 5, ये भी क्या है, ये भी टाइप है किसके, ट्विस्टेड पेयर के। और अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, कोएक्सियल केबल की। पहली थी हमारी कौन सी, ट्विस्टेड पेयर, दूसरी करेंगे बात कोएक्सियल। अब कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, ठीक है, कोएक्सियल केबल अगर ध्यान में हो आपके, तो जितने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले हैं, ठीक है, जिनके घर वायर्ड ब्रॉडबैंड आता है, तो जो वायर होती है, अगर उसे समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी जो केबल की वायर होती है वो कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर है। तो ट्विस्टेड पेयर की जो सबसे अंदर यूज होता है वो कौन सा कौन सी मेटल यूज होती है, कॉपर, ठीक है। कोएक्सियल केबल में कौन सी यूज होती है, कॉपर होती है। जैसे वायर के बाद क्या होगा, एक जैकेट होगी, मींस कवरिंग होगी, कवरिंग के बाद एक और कवरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंड में एक जैकेट होगी, मींस जो आउटर कवरिंग होगी, ठीक है। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि
जो इसको कैटेगराइज करते हैं वो कैसे करते हैं कोएक्सियल केबल को, तो कोएक्सियल केबल को 50 ओहम और 75 ओहम में कनेक्ट करते हैं। कैसे? 50 ओहम और 75 ओहम में कनेक्ट, यानी कि इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब जो ये जो कोएक्सियल केबल है, जैसे आपके मॉडल के साथ जुड़ रही है, या आपकी केबल जो डेटा सॉरी टीवी की केबल जो है आपके टीवी के साथ जुड़ रही है, तो इसमें जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए होता, उस कनेक्टर का क्या नाम है? उस कनेक्टर जो कनेक्टर है उसका क्या नाम है? तो उसे हम बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर। अब ये बीएनसी क्या, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है बीएनसी की, तो इसे आप बोल सकते हैं ब्रिटिश नेबल कनेक्टर। कौन सा? ब्रिटिश नेबल कनेक्टर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बीएनसी बट इट बट डज इट स्टैंड फॉर, है ना, और बीएनसी कनेक्टर जो है वो कहाँ यूज होता है? ब्रिटिश नेबल जो कनेक्टर है तो वो यूज होता है किसमें? कोएक्सियल केबल में। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रॉडबैंड में कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम का यूज होता है, तो ब्रॉडबैंड में किसका होगा? कोएक्सियल केबल का, ठीक है। अगर अब हमने क्या किया था, लैन वायर जो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क होता है, तो हम क्या करते हैं कि लैन वायर को कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास कनेक्टर होते हैं। अगर कनेक्टर की बात करूं तो लैन वायर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के कनेक्टर होते हैं, एक RJ45 होता है और एक RJ11 होता है, ठीक है। जो RJ45 है इसका यूज होता है किसमें? लैन में, ठीक है। और जो RJ11 है ये किसमें यूज होता है? टेलीफोन में। अगर आपने देखा होगा तो जो पहले के लैंडलाइन थे तो उनमें एक बॉक्स आता था, बॉक्स में क्या करते थे हम एक केबल को, यानी कि एक वायर को कनेक्ट करते थे। वो वायर क्या होती थी, जो वायर के आगे एक जैक सा लगा होता था उसे बोलते थे RJ11, और RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर, रजिस्टर जैक, ठीक है। रजिस्टर जैक हो गया, कौन सा? 11, 11 है तो इसमें कितनी पिन होगी? 6 पिन होगी। और अगर RJ45 है, मींस जो आपके कंप्यूटर में पोर्ट होता है, कौन सा? लैन पोर्ट, उसमें जो लगाते हैं तो जो जैक लगता है उसे बोलते हैं हम RJ45। और ये जो लैन, ये जो कनेक्टर होगा वो कितने पिन का होगा? 8 पिन कनेक्टर होगा, ठीक है। अब अगली बात करूं मैं किसकी, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर आपने रिसेंटली यूज देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर का, कि हिमाचल में रिसेंटली एक साल पहले क्या था कि हर जगह खुदाई चली थी और एक वायर बिछाई जा रही थी, बोला जा रहा था कि पंचायत को कनेक्ट करना है, हर पंचायत को कनेक्ट करना है, तो वो जो वायर बिछाई जा रही थी वो थी ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर किसका यूज करती है? ऑप्टिकल फाइबर में जो कनेक्शन के लिए मीडियम, जैसे पिछले में हमने पढ़ा कॉपर होता है, इसमें क्या होता है? ग्लास यूज होता है। अब ग्लास यूज होगा तो ऑब्वियसली बात है वो सिग्नल किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा? सिग्नल जो ट्रेवल करेगा वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऑप्टिक किस वायर में, जो सॉरी किस कम्युनिकेशन मीडियम में ग्लास का यूज होता है, तो कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर। अभी रिसेंटली प्रोग्रामर का एग्जाम हुआ, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा मीडियम का प्रयोग होता है, तो कम्युनिकेशन मीडियम का, तो इसमें ग्लास का। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल होता है, तो लाइट की फॉर्म में वो ट्रेवल होता है, ठीक है। ये था क्या हमारा किसके बारे में, ये था हमारे किसके बारे में, जो हमारे मीडियम थे उसके बारे में। अच्छा, एक और चीज आई सामने, पेन ड्राइव। वैसे आपको पता है क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, जैसे टर्शियरी डिवाइस भी बोल देते हैं हम। पेन ड्राइव कितने पिन का होता है? तो पेन ड्राइव 4 पिन डिवाइस है, ठीक है। आपने देखा होगा पेन ड्राइव के आगे ऐसे जहां से कनेक्ट करते हैं ऐसे लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव 4 पिन है, RJ11 6 पिन है, और RJ45 जो है कितने पिन है? वो है 8 पिन। अब हम बात करते हैं वायरलेस मीडियम की। जो वायरलेस मीडियम है मतलब वायरलेस मीडियम कौन सा है, कैसे हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। अगर मैं बात करूं कौन कौन से हो सकते हैं वायरलेस में, एक हो गया रेडियो वेव,
रेडियो वेव हो सकती है, और दूसरा हो गया माइक्रोवेव, और एक हो गया हमारा क्या इंफ्रारेड, ठीक है। अब रेडियो वेव कौन सी हुई, तो रेडियो वेव का यूज हम कहां करते हैं वो देखते हैं हम वॉकी टॉकी में। वॉकी टॉकी में किसका प्रयोग करते हैं हम, रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं। ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ में किसका, ब्लूटूथ जो है किसका, कौन सा मीडियम है, रेडियो वेव के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। किस मीडियम के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करता है, रेडियो वेव के ऊपर। और साथ में अगर बात करूं मैं किसकी, वाईफाई सिग्नल की, वाईफाई सिग्नल भी क्या है, वाईफाई सिग्नल भी रेडियो वेव के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। अगर जो रेडियो वेव की रेंज की बात करूं, रेडियो वेव की रेंज कितनी है, तो रेडियो वेव की रेंज है 3 kHz टू कहां तक, 300 GHz तक, 300 GHz तक। अब HZ क्या डिनोट कर रहा है यहां पे, HZ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव का यूज कहां होता है, तो माइक्रोवेव का यूज होता था किसमें होता है, मींस टीवी एंटीना में, जो टीवी एंटीना था होता था पहले, जिसे हम पुराने टाइम में छत के ऊपर लगाया जाता था, उसमें किसका प्रयोग होता था, माइक्रोवेव का। और इसकी जो रेंज है वो है 300 MHz टू कहां तक, 300 GHz तक, ठीक है। अगर लास्ट, और लास्ट जो है हमारा वायरलेस नेटवर्क है वो इंफ्रारेड, वो आपका आप डेली यूज को यूज करते हैं, जैसे अपने घर में जाते हैं टीवी का रिमोट यूज करते हैं, तो उसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है टीवी में भी ऑफ और आपके रिमोट में भी, वो क्या है, वो आपका इंफ्रारेड है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें यूज करते हैं टीवी रिमोट में, क्लियर हुआ आपका ये, ठीक है। आज का टॉपिक में हमने क्या किया, आज के टॉपिक में हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, ठीक है, नेटवर्क के बारे में पढ़ा, आगे टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़े, और साथ में हमने क्या किया, जो मीडियम कौन सा था कम्युनिकेशन मीडियम नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी JOE के लिए तैयारी करें, जितना आपका मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा मैं आपके लिए उस बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, जो 101% आपको आपके JOE के एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।